गाइस, माय नेम इज थ्रू एंड वेलकम टू माय चैनल। आप में से बहुत सारे लोगों को राउंड शेप में एमुलेट स्मार्टवॉच को परचेज करनी थी। सो गाइस, उन सबके लिए आज मेरे पास परफेक्ट स्मार्टवॉच आ चुकी है, जिसका नाम है फायरबोल्ट एस्ट्रॉइड कॉलिंग स्मार्टवॉच। यहां पे कुछ स्मार्टवॉच में राउंड डायल के साथ एमुलेट डिस्प्ले मिलने वाली है, कॉलिंग फीचर मिलने वाला है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलने वाला है और मेरे को बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। एंड प्राइस 3000 रुपीज है, ये लॉन्च प्राइस है, बाद में प्राइस इंक्रीज हो सकती है। सो को वीडियो को देखने के बाद स्मार्टवॉच को परचेज करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मस्त सीधा परचेस कर सकते हो। आज वीडियो में स्मार्टवॉच का पूरा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले और इन सारे फीचर्स को वन बाय वन टेस्ट करने वाले, जिससे एक बार सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगी, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो। सुबह से मैं स्मार्ट वॉच का बॉक्स है, यहाँ पे को सबसे पहले स्मार्ट वॉच मिल जाएगी, पैकेजिंग आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। साथ में स्मार्ट वॉच को चार्ज करने के लिए मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिल जाएगा, साथ में को बहुत सारे कार्ड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे को स्मार्ट वॉच में एक साल के लिए वारंटी मिलने वाली है और आपको मिलता है यूजर मैनुअल, जिसकी हमें कोई जरूरत है नहीं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं स्मार्ट वॉच के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। यहाँ पे स्मार्ट वॉच का वेट है 62 ग्राम, जो आपको थोड़ा सा हैवी ले सकते हैं, बट आपको इतना वेट फील नहीं होता, जो काफी अच्छी बात है। आपको बैलेंस स्मार्ट वॉच मिलने वाली है। यहाँ पे को स्मार्ट वॉच में राउंड शेप में डायल मिलने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, फिटिंग आपको प्रॉपर मिलती है। सो आप इस स्मार्ट वॉच को बहुत ही आराम से ऑल डे पहन के रख सकते हो और गाइस, लुक्स आपको बहुत ही सुपर मिलने वाला है। यहाँ पे दूसरे चेकआउट कर सकते हो, लुक एंड फील आपको बहुत ही सुपर मिलने वाला है, डिजाइन आपको बहुत ही डिसेंट मिल जाएगी। बस आपको स्मार्ट वॉच में बेस्ट ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलने वाला है, जिससे आपको और भी इंप्रूव लुक मिल जाएगा, फिनिशिंग आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। बात करते हैं मटेरियल क्वालिटी के बारे में। यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में पूरी मेटल की बॉडी मिलने वाली है, पीछे आपको प्लास्टिक बैक मिलता है और आपको 22mm के सिलिकॉन स्ट्रैप मिलने वाले। स्ट्रैप की क्वालिटी काफी अच्छी है और आप इस स्ट्रैप को इस तरह से रिमूव एंड फिशअप अटैच कर पाओगे। और आपको स्मार्ट वॉच की राइट साइड में 2 बटन एंड माइक मिलता है, लेफ्ट साइड आपको स्पीकर मिल जाएगा, बैक साइड में आपको सारे सेंसर्स एंड चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं और आपको स्मार्ट वॉच में फंक्शनल क्राउड मिलने वाला है, जिससे बहुत ही इजीली स्क्रॉलिंग कर पाओगे। एडिशनली स्मार्ट वॉच में IP68 रेटिंग मिलने वाला है, तो आप इस स्मार्ट को आउटडोर कंडीशन बारिश के टाइम यूज कर सकते हो, शाम के टाइम यूज कर सकते हो, आप इस स्मार्ट को अंडर वाटर स्विमिंग के टाइम भी यूज कर पाओगे, फिर भी आपकी स्मार्ट वॉच खराब नहीं होगी। क्योंकि सभी हम स्मार्ट वॉच को हमारे फोन के साथ कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.1 मिलने वाला है। जैसे आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस करते हो, इस तरह से आपकी स्मार्ट वॉच ऑन हो जाएगी। देखो, स्मार्ट वॉच ऑन हो चुकी है। नेक्स्ट, आपको अपने फोन में डा फिट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जो आपको एंड्रॉइड iOS दोनों में अवेलेबल है। नेक्स्ट, आपको ओपन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे को एड डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे मेरी स्मार्ट वॉच आ जाएगी। देखो, आ चुकी सिंगल को क्लिक करना है इस तरह से और इस स्मार्ट फोन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो कनेक्ट हो चुकी है, सो बहुत ही आराम से आप कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट कर पाओगे। डिस्प्ले इस स्मार्ट वॉच का सबसे हाई रेटिंग फीचर है। यहाँ पे को स्मार्ट वॉच में बहुत ही सुपर डिस्प्ले मिलने वाली है। आपको स्मार्ट वॉच में 1.4 इंच एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है, जिसमें को 466x466 पिक्सल रिजोल्यूशन मिलने वाला है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको थोड़े से बेसेस देखने को मिल जाएंगे, अदरवाइज डिस्प्ले बहुत ही सुपर है, टच रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, बहुत ही इसलिए आप डिफरेंट में नेविगेट कर पाओगे। डिस्प्ले बहुत ही फास्ट एंड स्मूथ चलती है, कलर्स आपको बहुत ही वाइब्रेंट मिल जाएगी। अगर बात करें ब्राइटनेस के बारे में, सिंपल आप इस तरह से ब्राइटनेस को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में मैक्सिमम 500 nits ब्राइटनेस मिलने वाली है। सो आप स्मार्ट वॉच को बहुत ही इजिली इंडोर एंड आउटडोर दोनों कंडीशन में यूज कर पाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर मिलने वाला है, जिसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको ओवरऑल डिसेंट डिस्प्ले मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट वॉच की बैटरी कैपेसिटी के बारे में। यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में 350mAh की बैटरी मिलती है। मैंने चेक किया, स्मार्ट वॉच को फुल चार्ज करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का टाइम लग जाएगा और एक बार फुल चार्ज करने के बाद ये स्मार्ट वॉच आपको मैक्सिमम 6 to 7 days का बैटरी लाइफ प्रोवाइड करती है, अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो। अगर आप स्मार्ट वॉच को फुल फीचर के साथ यूज करते हो, कॉलिंग के साथ यूज करते हो, फिर भी आपको आराम से 3 to 4 days का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। सो आप इस स्मार्ट वॉच को ओनली 2 times फुल चार्ज करके पूरा वीक यूज कर पाओगे। ये हमारे पास कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। सो नेक्स्ट अभी हम स्मार्ट वॉच का माइक एंड स्पीकर टेस्ट करने वाले, वो भी लाइव कॉल डायल करके, वो भी स्मार्ट वॉच के वॉइस असिस्टेंट का यूज करके। इस तरह से स्वाइप करना, यहाँ पे क्लिक करना, इस तरह ऑन हो चुका है। हे सिरी कॉल मम्मी। कॉलिंग मम्मी इंडिया। देखो कॉल लग चुका है, वॉल्यूम मैंने फुल कर दिया है। हेलो हेलो। हाँ बोल। हाँ बोलो। कोई आयु की नीचे? ना ना थी। कोई पार्सल आयु? ना ना पार्सल नहीं है। हाँ तो वहाँ तो नहीं। हाँ हूँ, थोड़ी बारी थोड़ी बार में। हाँ, सो आप इस तरह से कॉलिंग कर सकते हो। कॉलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी और गाइस, वॉल्यूम आपको बहुत ही हाई मिलने वाला है।
तो अभी स्मार्ट वॉच की ऐप से बहुत ही आराम से इंडोर एंड आउटडोर दोनों कर समय कॉलिंग कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे स्मार्ट वॉच का यूआई काफी अच्छा है। सो नेक्स्ट में हम स्मार्ट वॉच का यूजर इंटरफेस भी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्मार्ट वॉच में वेकअप फीचर मिलने वाला है जो बहुत ही एक्यूरेट काम करते हैं। आप इस बटन को प्रेस करके स्मार्ट वॉच को ऑन ऑफ कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पे फंक्शनल क्राउन मिलने वाला है। सिंपली आप इस तरह से रोटेट करके स्मार्ट वॉच वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे स्मार्ट वॉच में 100 प्लस वॉच फेस मिलने वाला है, इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में जाना है। नेक्स्ट आपको प्लस के ऊपर करना है। इस तरह से यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉच फेस मिलने हैं जिसको पूरा यूज कर पाओगे। ऐसे मैं बैक करता हूँ। नेक्स्ट आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है, ऐसे पूरा कस्टमाइजेशन कर पाओगे। देखिए यहाँ से ओपन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आप टाइम पोजिशन अबाउट टाइम टू टाइम सब कुछ चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको एल्बम के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से सुगस आपने स्मार्टफोन की गैलरी में से किसी फोटो का सिलेक्ट करके उसको अपने वॉच फेस की तरह यूज कर पाओगे, तो काफी अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। और गाइस स्क्रॉल करते पूरा कंट्रोल सेंटर यहाँ से ओपन हो जाएगा। सब करते पूरा नोटिफिकेशन मिलने वाला है जिसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में जाना है। नेक्स्ट आपको नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से इसे पूरा ऑन ऑफ कर पाओगे। सारे आपको नोटिफिकेशन मिलने वाले, पूरा कस्टमाइज कर पाओगे। लेफ्ट स्वाइप करते आपको मिलता है एक्टिविटी स्टेटस। नेक्स्ट आपको मिलता है स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट मिलता है एचआर। नेक्स्ट मिलता है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपको मिलता है SPO2। नेक्स्ट आपको मिलता है रिदम विजन। यहाँ पे कॉलिंग फीचर मिलने वाला है और यहाँ पे कुछ भी फेवरेट ऐड कर सकते हो। इस तरह से मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूं, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करता हूं, ये भी ऐड हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही आराम से ऐड कर पाओगे। राइट स्वाइप करते क्लिक मेन्यू ऐसे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारे को रिसेंट एप्स मिलने वाली है। आपको वॉइस असिस्टेंट मिलने वाला है। यहाँ पे क्लिक करते हुए मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले मिलता है एक्टिविटी स्टेटस। यहाँ पे आपको स्टेप कॉम कैरे काउंट सब कुछ आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट आपको मिलता है स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम। यहाँ पे आपको HR मिलने वाला है। नेक्स्ट आपको मिलता है फोन कॉल, ऐसे कॉलिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉलिंग हिस्ट्री मिलने वाली है। नेक्स्ट आपको मिलता है डायल पे, ऐसे कॉल डायल कर पाओगे, इससे डायल हो जाएगा। बहुत ही डायल कर सकते हो। इस तरह से कट भी कर कट हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो एप्लीकेशन की ऐप से। और नेक्स्ट आपको मिलता है एक्सरसाइज। यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में 123 एक्सरसाइज मोड मिलने वाला है। आप एक्सरसाइज मोड यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको और एक बटन मिलने वाला है, इसको आप प्रेस करते आपको स्मार्ट वॉच के एक्सरसाइज मोड इस तरह से ऑन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे मोड्स मिलने वाले। अभी हम मोड को ऑन करते हैं, रनिंग ऑन करते हैं। चलो मैं क्लिक करता हूँ, ऑन हो जाएगा। 3, 2, 1। देखो ऑन हो चुका है। इस तरह से यहाँ पे कोई टाइम मिलता है, स्टेप काउंट, करे काउंट, हार्ट रेट, डिस्टेंस सब कुछ मिलना, पूरे को रेंज मिलना। इस तरह से ऐसा मोड को ऑफ करोगे ऐसे ऑफ हो जाएगा। तो बहुत ही आराम से यूज कर पाओगे। नेक्स्ट आपको मिलता है एक्सरसाइज रिकॉर्ड। नेक्स्ट आपको मिलता है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। यहाँ पे SPO2 मिलने वाले, सारे सेंसर एक्यूरेट काम करते हैं। यहाँ पे विद इन होम से मिलने वाली है। यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन मिलने वाली है। कैमरा अकाउंट म्यूजिक को मिलने वाला है। नेक्स्ट आपको मिलता है सेटिंग्स में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मिलता है डिस्प्ले। मैं क्लिक करता हूँ, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पे स्लीप टाइम चेंज कर सकते हो बहुत ही आराम से। यहाँ पे वॉच फेस चेंज कर सकते हो, मैन्यू व्यू चेंज कर सकते हो, ऐसा वेकअप फीचर को ऑन ऑफ कर पाओगे। नेक्स्ट आपको मिलता है वाइब्रेट एंड रिंग। मैं क्लिक करता हूँ, मैं मोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वाइब्रेट एंड रिंग। यहाँ पे स्मार्ट को म्यूट भी कर सकते हो, इस तरह से म्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट आपको मिलता है इंटेंसिटी। यहाँ पे अपने वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट में सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से मैं बैक करता हूँ। यहाँ से आप DND मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो, पावर से मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो, अपने कॉलिंग भी को यहाँ से रीसेट कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, बहुत ही सब कुछ आप कर पाओगे। नेक्स्ट आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर। मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप एनालॉग क्लॉक सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से डिजिटल क्लॉक सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से यहाँ से आप AOD को ऑन ऑफ कर पाओगे, सब कुछ आप कर पाओगे। ऐसे मैं बैक करता हूँ। नेक्स्ट आपको मिलता है सिस्टम। यहाँ से आप स्मार्ट वॉच को रिस्टार्ट, पावर ऑफ एंड रीसेट कर पाओगे। यहाँ पे अबाउट में वॉच के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको मिलता है वॉइस असिस्टेंट। यहाँ पे आपको मिलता है मोर में क्लिक करता हूँ। ऐसे आप टाइमर, अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कैलकुलेटर सब कुछ यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे गर्ल्स अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ट्रैक कर पाओगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। यहाँ पे आपको फ्लैशलाइट मिलने वाली है, बॉडी ब्राइट आपको स्क्रीन लगेगी। इस तरह से मैं बैक करता हूँ। और गेस आपको मिलने वाला है फाइन फोन। मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं क्लिक करता हूँ और मीटिंग में स्टार्ट होगा। इस तरह से तो फोन को फाइंड कर पाओगे, आपके लिए काफी अच्छा फीचर बन जाएगा। सो बहुत अच्छा को UI मिल जाएगा। सुबह सभी को स्मार्ट वॉच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अगर कोई न्यू स्मार्ट वॉच परचेस करनी है, इसको आप 100% परचेस कर सकते हो। सारे को फीचर्स मिलने वाले, सारे सेंसर्स एक्यूरेट काम करते हैं, राउंड शेप पे डायल मिलने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट AMOLED डिस्प्ले मिलने वाली जो बहुत ही सुबह। अगर आपको परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और सबसे ज्यादा परचेस कर सकते हो। और कोई यूजफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वीडियो में बाय।